हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जोसेफ एडिसन को पढ़ा था, फिर हमने पीरियोडिकल्स को कंप्लीट किया था कि जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील इन्होंने कोलैबोरेशन में किन किन पीरियोडिकल्स को एडिट किया है। आज हम रिचर्ड स्टील के बारे में बात करेंगे। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रिचर्ड स्टील का जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ फ्रॉम 1672 से लेकर 1729 है। ये आयरिश राइटर रहे हैं, प्लेराइट रहे हैं, ये पॉलिटिशियन भी रहे हैं। इनका जो फर्स्ट वर्क था, वही बात मैं सेम यहाँ पर कहूँगी जो मैंने जोसेफ एडिसन के टाइम पर कही थी। इनके भी क्वेश्चंस जो आएंगे, ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके सिर्फ वर्क के नाम जानने हैं। एक दो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, इनके पीरियोडिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनका फर्स्ट वर्क क्या था, द क्रिश्चियन हीरो। ये वर्क इन्होंने 1701 में लिखा था वाइल ही वॉज सर्विंग इन आर्मी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये आर्मी में सर्व कर रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम तक ये आर्मी में भी रहे थे, और इन्होंने तब ये वर्क लिखा था 1701 में, द क्रिश्चियन हीरो। ओके, फिर इन्होंने कुछ प्रोज कॉमेडीज भी लिखी थी। एंड अगर इनकी इनके वर्क में कहीं से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर प्रोज कॉमेडी से ही पूछा जाता है। तो इनकी जो फर्स्ट प्रोज कॉमेडी थी दैट वॉज द फ्यूनरल। ये भी इन्होंने सेम ईयर जब द क्रिश्चियन हीरो लिखी थी उसी टाइम पर इन्होंने द फ्यूनरल को कंप्लीट किया था। तो ये वर्क आया 1709 में। प्रोज कॉमेडी का नाम क्या है, द फ्यूनरल, और इसी का एक सब टाइटल है ग्रीफ एला मोड, ठीक है, ग्रीफ एला मोड। फिर इनका सेकंड जो प्रोज कॉमेडी आई दैट वाज द लाइंग लवर। ये इनकी कॉमेडी आई थी 1703 में, और इसका जो सब टाइटल है दैट इज, सब टाइटल भी आपको याद रखने हैं, द लेडीज फ्रेंडशिप, ठीक है। ये जो सब टाइटल है ना, ये याद रखने हैं, खासकर प्रोज कॉमेडीज के। द फ्यूनरल का जो सब टाइटल है दैट इज अ ग्रीफ एला मोड, द लाइंग लवर का है द लेडीज फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वर्क है जो इनकी नेक्स्ट प्रोज कॉमेडी थी, द टेंडर हस्बैंड, और जो ये सेकंड इनकी प्रोज कॉमेडी थी इट वॉज काइंड ऑफ अ सेंटिमेंटल कॉमेडी, राइट। नेक्स्ट है द टेंडर हस्बैंड, और ये इनका वर्क आया था 1705 में। इसका भी एक सबटाइटल है जो आपको याद रखना है, द एकम्प्लिश्ड फूल्स, ठीक है, द एकम्प्लिश्ड फूल्स, द टेंडर हस्बैंड का ये सबटाइटल था, और ये प्रोज कॉमेडी आई थी इनकी 1705 में। इन्होंने एक छोटा सा रोल भी प्ले किया, किस वर्क में, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमंड, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमंड, और ये वर्क किसका था, ये वर्क था विलियम थैकरे का, ठीक है, ये वर्क किसका था, विलियम थैकरे का ये वर्क था, और इसमें इन्होंने छोटा सा रोल प्ले किया था। इन्होंने जॉन वैनब्रू के एक वर्क का प्रोलोग लिखा था। अब आपको उस वर्क का नाम पता होना चाहिए, वर्क का नाम क्या है जो इन्होंने जॉन वैनब्रू के वर्क का प्रोलोग लिखा, द मिस्टेक, ओके, द मिस्टेक। इट वॉज रिटन बाय जॉन वैनब्रू, लेकिन इस वर्क का प्रोलोग लिखा था मिस्टर रिचर्ड स्टील ने। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किटकैट क्लब के मेंबर थे। अगर आपको याद हो तो हमने किटकैट क्लब की बात की थी जब हमने जोसेफ एडिसन के बारे में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ पर कर लेते हैं। कई जगह पर आपको किटकैट ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ही सही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके मेंबर कौन कौन थे, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जॉन वैनब्रू, जॉन चर्चिल, जो ड्यूक ऑफ मार्लबोरो भी थे, ठीक है, एंड विलियम कॉन्ग्रीव। तो
तो ये आपको इन राइटर्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, जो किटकैट क्लब के मेंबर्स थे। और ये जो मेंबर्स थे ये विग पार्टी को सपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं रिचर्ड स्टील के पीरियोडिकल्स के बारे में। वैसे तो हमने पीरियोडिकल्स इनकी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो पीरियोडिकल्स कंप्लीट की थी जो इन्होंने जोसेफ एडिसन के साथ कोलैबोरेट करके लिखी थी, ठीक है। तो पहली थी द टैटलर, सेकंड थी द स्पेक्टेटर एंड थर्ड द गार्जियन। अब देखो ये जो तीनों पीरियोडिकल्स थी, ये तीनों ही जर्नल इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट करके लिखे थे, जोसेफ एडिसन के साथ। और इन तीनों की हमने डिटेल में बात की है प्रीवियस वीडियो में, तो यहां पर हम उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रीवियस वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों ही पीरियोडिकल्स रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन ने कोलैबोरेशन में लिखी थी। इसी के साथ साथ रिचर्ड स्टील ने विदाउट कोलैबोरेशन भी कुछ पीरियोडिकल्स को कंप्लीट किया था, तो आइए उनके नाम भी जानते हैं। सबसे पहला द इंग्लिश मैन, और ये जो पीरियोडिकल्स जो मैं भी बता रही हूँ ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए ये पीरियोडिकल्स आए थे। फर्स्ट वन इज द इंग्लिश मैन, नेक्स्ट है द प्लेबियन एंड वन मोर द रीडर, ठीक है। ये भी आपको पता होने चाहिए। इनके मैं अगर ईयर बताऊं तो आई थिंक इसका 1713 है, इसका 1714 है एंड इसका 1719 है। ये इनका टाइम पीरियड है, ईयर मतलब ईयर है इनका, ये जिस ईयर में ये पब्लिश किए गए थे, द इंग्लिश मैन, द प्लेबियन, द रीडर। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पीरियोडिकल्स हैं इसमें जोसेफ एडिसन का कोई हाथ नहीं है, तो आप जोसेफ एडिसन के साथ जो इनका कोलैबोरेटेड पीरियोडिकल्स मानकर चलेंगे या समझेंगे वो यही तीन हैं बस, ठीक है। ये जो तीन हैं ये अकेले रिचर्ड स्टील के हैं, राइट। ये सब रिचर्ड स्टील ने जोसेफ एडिसन के कोलैबोरेशन के बिना लिखे थे, फाइन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना ही आपको रिचर्ड स्टील के बारे में करना है, और जितना मैंने बताया इसी में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।